नमस्कार में दुनिया में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कुख्यात लश्कर कमांडर अबू दुजाना को मार गिराया। अरविंद पनगड़िया ने नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, शिक्षण क्षेत्र में लौटेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी एशिया के दूसरे बड़े धन कुबेर बने। कुल संपत्ति 34.8 अरब डॉलर हुई। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा, सांसदों को स्वयं का वेतन बढ़ाने का अधिकार नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन की तर्ज पर बने बाहरी निकाय। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन बढ़ाया, लोगों को चुकानी होगी पेट्रोल डीजल की ज्यादा कीमत। राज्यसभा में विपक्ष का संशोधन विधेयक पारित, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने सांसदों की कम उपस्थिति पर जताई नाराजगी। रसोई गैस सिलेंडर पर खत्म होगी सब्सिडी, सिलेंडर पर हर माह बढ़ेंगे 4 रुपए। GST लागू होने के बाद देश के विनिर्माण क्षेत्र में 101 महीने की सबसे तेज गिरावट, सूचकांक घटकर 47.9 रहा। टीम इंडिया के कोच रवि शास्त्री ने कहा, पूर्व दिग्गजों से बेहतर साबित होगी विराट की टीम। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा, देश में करीब 1000 IPS अधिकारियों की कमी। मिश्र की अदालत ने गैर कानूनी घोषित मुस्लिम ब्रदरहुड समूह से जुड़े 32 लोगों को दंगों और बर्बरता के आरोप में 10 साल की सजा सुनाई। ये थी आज की खास खबरें। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।